मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के खिलाड़ियों को दी बधाई, कहा देश और प्रदेश का नाम हमेशा किया रोशन, 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों पर बयान, बंद किए जाएंगे अवैध रूप से चलाए जा रहे अखाड़े, महिला कुश्ती खिलाड़ी की हत्या के बाद सख्त हुई सरकार। पूर्व सीएम भूपेश सिंह हुड्डा पहुंचे कितनाना टोल प्लाजा, कहा अब किसानों की समस्या का होना चाहिए समाधान, 16 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में करेंगे समस्याओं पर विचार। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरने के लिए शुरू किया जन जागरण अभियान, 29 नवंबर तक घर घर तक जाएंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता। और हरियाणा के 4 जिलों में 17 नवंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में स्कूल बंद रखने का सरकार ने किया फैसला। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर, क्योंकि डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और प्रदेश भर से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पर डेंगू के डंक से लोग दहशत में हैं, लोग डरे हुए हैं, अस्पतालों को अभी बहुत बुरा हाल धीरे धीरे होता जा रहा है और इसीलिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सतर्क हैं, सचेत हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से डेंगू के इस डंक पर काबू पाया जा सके। स्वास्थ्य विभाग का ये दावा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि फॉगिंग लगातार कराई जाए, जहां जिन इलाकों में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं उन इलाकों पर निगरानी रखी जाए, उन इलाकों पर नज़र के साथ साथ फॉगिंग भी वहां पर हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है। हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार में भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं और यहां भी लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। प्रदेश और जिला हिसार की अगर हम बात करें तो डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम उकलाणा का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था आज यहाँ पर है। हालांकि उकलाणा में फिलहाल तक डेंगू के मामले ज़्यादा सामने नहीं आए थे, फिर भी हम आज मुआयना करेंगे और अंदर चल करके देखेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। उकलाणा का ये CHC हॉस्पिटल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शाम का टाइम हो चुका है और ये आपातकालीन कक्ष है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेशेंट एडमिट नहीं है। इसके साथ साथ जनरल वार्ड जो है वो हम साथ में उधर चलेंगे और जनरल वार्ड की हम देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर डेंगू खास करके जो आज के दिन प्रकोप में है, लगातार उसके जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनको लेकर के हम यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखेंगे और यहाँ पर जो भी स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी हमें मिलेंगे उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत जहाँ तक अभी तक हम जो अंदर आए हैं यहाँ पर सफाई की व्यवस्था ठीक नज़र आई है, साफ़ सुथरा यहाँ पर पूरा का पूरा जो है, चाहे वो गैलरी की बात की जाए, फर्श की बात की जाए, और ये अंतरंग विभाग यहाँ पर आ गया है, कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी भी हमारे पास यहाँ मिल चुके हैं। मैडम आप किस यहाँ पर किस जॉब पे हैं? स्टाफ नर्स जी। स्टाफ नर्स, क्या नाम मैडम? कविता, स्टाफ नर्स हूं जी। कविता मैम, यहाँ पर जो इस प्रकार से जिला में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ पर भी कोई डेंगू का पेशेंट एडमिट है? फिलहाल तो यहाँ पर कोई एडमिट नहीं है जी, अरेंजमेंट करा हुआ है जी। अरेंजमेंट आप लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया है? आप लोगों ने बेड अरेंज किए हुए जी, मेडिसिन भी अरेंज रखे हैं, डॉक्टर भी है हमारे पास। कहाँ पर है आपका वार्ड? आइए देखिए, यहाँ पर जो कविता हैं स्टाफ नर्स, इनका कहना है कि इन्होंने अरेंजमेंट किया है और हम जायजा ले भी लेते हैं। बिल्कुल देख लीजिए साफ तस्वीरों में, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाएंगे कि यहाँ पर बेड लगाए हुए हैं, लगभग 3-6 बेड इस साइड में लगाए हुए हैं और 4 बेड इधर भी लगाए हुए हैं, 10 बेड यहाँ पर जनरल वार्ड में लगाए हुए हैं, यहाँ पर स्टाफ मौजूद है। और अच्छी बात यह है कि उकलाणा PHC में फिलहाल कोई भी डेंगू का मरीज नहीं है, यहाँ पर सैंपल लिए जा रहे हैं। अच्छी बात और अच्छी खबर यही है कि यहाँ पर व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद है और उनका कहना है कि फिलहाल डेंगू का कोई मरीज नहीं है। अगर ऐसे में कोई डेंगू का मरीज यहाँ पर पहुँचता है तो उसकी देख रेख के लिए और उसको एडमिट करने के लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। स्टैंड बाय, हार्ड कॉपी, अंबाला। अंबाला है, कचरा है, चलो टेक एंगल। तो हिसार का हाल आपने देख लिया, लेकिन अब बारी है अंबाला की। अंबाला में कैसे हालात बने हुए हैं, यहाँ पर किस तरीके से डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से, स्थानीय प्रशासन की ओर से कोशिशें की जा रही हैं, उसका भी जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। देखिए जरा, अंबाला
व्यवस्था ठीक है जी, काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में, काम कर रहे हैं, डॉक्टर वगैरह ठीक है, चेकअप कर रहे हैं प्रॉपर, और दवाई वगैरह दे रहे हैं लिख के, वैसी बात नहीं है। नहीं सर, जब हम आए थे 4-3 दिन पहले तब काफ़ी रास्ता, अब थोड़ा डिस्चार्ज होकर जाए जा रहे हैं और इलाज चल रहा है, लोग ठीक होकर जा रहे हैं। आज हमने सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया, डेंगू वार्ड में भी गए, वहाँ पे हमें देखा कि डेंगू के मामले हमें कम होते नज़र आ रहे हैं। जब हमने वहाँ के पेशेंटों के रिश्तेदारों से बात की तो वो भी संतुष्ट नज़र आए कि डॉक्टर ठीक देखभाल कर रहे हैं। डेंगू वार्ड में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही, खाली बेड भी होने शुरू हो गए हैं। हर खबर हम पहुँचे हैं नूह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूह में। इमरजेंसी का जो गेट है वहाँ से हम एंट्री करते हैं, किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएं डेंगू जैसी महामारी बीमारी को लेकर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, आइए। चलिए और अब बात करते हैं नूह की। नूह के हालात से भी आपको हम रूबरू कराते हैं, नूह में कैसे हालात बने हुए हैं, किस तरीके से यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना बना हुआ है, स्थानीय प्रशासन की ओर से यहाँ कैसे इंतजाम किए गए हैं डेंगू से बचने के लिए, क्या यहाँ पर सही तरीके से और सही समय पर फॉगिंग की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसका भी जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। हम पहुंचे हैं नूह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूह में। यहाँ पर आप देख रहे हैं इमरजेंसी का जो गेट है वहाँ से हम एंट्री करते हैं, किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएं डेंगू जैसी महामारी बीमारी को लेकर जो पूरे प्रदेश में फैली हुई है, आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके का यहाँ पर सुविधा है, जो वार्ड बनाए गए हैं, यहाँ पर कितने वार्ड बनाए गए हैं, इन सारी बातों को लेकर आज यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनसे, मौजूद डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे। अभी हम ड्यूटी रूम है, ड्यूटी रूम में पहुंचे हैं, यहाँ पर ये ड्यूटी रूम है, यहाँ पर बात करेंगे डॉक्टर से कि क्या कहना है डेंगू जैसी महामारी को लेकर, जो किस तरीके की यहाँ पर सुविधा है, उन सभी बातों को लेकर अभी चलते हम डॉक्टर साहब के रूम के अंदर, बात करेंगे। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर। सर, हम बात करें डेंगू जैसी महामारी है, इसके लिए यहाँ पर किस तरीके का प्रबंध है, क्या कहना है सर इस बारे में? हमारे पास यहाँ पे इनिशियल जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी है हमारे पास यहाँ पे, हम ब्लड सैंपल ले लेते हैं और माड़ीखड़ा रेफर करके उसको इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। तो सर, डेंगू पूरे प्रदेश में कहर बरपा रहा है, जिले की बात करें जिले के अंदर भी काफी मौतें हो चुकी हैं डेंगू को लेकर, तो कितना सतर्क है स्वास्थ्य विभाग? हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, हेल्थ डिपार्टमेंट, वो पूरा सतर्क है और पूरी उसमें जितना भी उनसे जो हो पा रहा है वो कर रहे हैं, काफी सतर्क है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें, यहाँ पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर कितने ऐसे वार्ड हैं डेंगू के लिए, किस तरीके की सुविधा है, यदि कोई डेंगू का मरीज आता है तो क्या कहना है? हमारे पास एक ही जनरल वार्ड है जिसमें हम इस तरह के जो डेंगू के पेशेंट हैं, मलेरिया के हैं या टाइफाइड वगैरह के हैं, उनको हम इसी में रख रहे हैं, जनरल वार्ड में। जी जी, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर जो डेंगू या मलेरिया से पीड़ित जो व्यक्ति आता है उसके लिए जनरल वार्ड है, उसी के अंदर इन्होंने एक वार्ड है जो उसी में रखते हैं सभी मरीजों को। आइए आपको दिखाते हैं वार्ड के किस तरीके के हालात हैं, वो सारी बातें आपको बताएंगे वार्ड के अंदर जाके। जैसे कि हम आपको वार्ड दिखाते हैं, पुरुष वार्ड है, इसी वार्ड में यहाँ पर डेंगू और मलेरिया जैसी महामारी है जो उसके लिए जो मरीज आते हैं उनके इलाज के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। देख सकते हैं कितने यहाँ पर बेड हैं, 6 बेड यहाँ पर लगाए हुए हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि कभी भी कोई मरीज आए तो उनका फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर रखा जाता है, और उसके बाद यदि कोई ज्यादा सीरियस होता है तो उनको माड़ीखेड़ा या सामान्य जो मेडिकल कॉलेज है वहां पर वो भेजे जाते हैं। हर खबर हरियाणा के लिए नूह मेवात से अनिल मोहनिया। और चलिए बात करते हैं पानीपत की। पानीपत में लोग परेशान हैं क्योंकि कूड़े का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है, हर जगह आपको गंदगी का अंबार लगा हुआ नजर आएगा, और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता प्रवीण भारद्वाज ने। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा, और इस वक्त हम पानीपत के सेक्टर 25 में आए हैं और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट नगर है वहाँ का जायजा ले रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि गंदगी का क्या आलम, और पानी ये यहाँ से कई महीनों से यहाँ पे खड़ा है, पर प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि यहाँ पर अब कई बार फॉगिंग भी नहीं की गई। आपको बता दें कि शहर में लगातार डेंगू का जो
मरीज हैं उनमें लगातार वृद्धि हो रही है। यहाँ पर स्थानीय जो दुकानदार हैं, जो मिस्त्री हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि उनको किस तरह की परेशानी यहाँ पे आ रही है। सर, किस तरह की परेशानी आपको यहाँ पे आ रही है? सर, हमें परेशानी ये आ रही है कि हमारे यहाँ दुकान आने जाने का रास्ता बंद है, ये पानी का जो सीवर बंद पड़े हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आगे देख ले, कोई प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा। कम से कम 3-4 से ऐसा पानी भरा हुआ है कि आने जाने वाले को परेशानी है, फिर मच्छरों की इतनी भरमार हुई है। आजकल आप देख रहे हो इतना डेंगू चल रहा है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है यहाँ आके किसी की सूद ले ले। पर हम ये चाहते हैं कोई प्रशासन हमारी तरफ भी आए, हमारी तरफ अच्छा ध्यान दे, ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ थोड़ी कदम बढ़ा के देखें तो पता लगेगा ट्रांसपोर्ट नगर में क्या है क्या नहीं। चलो यहाँ नाले देख लो तो नाले भरे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। आप ये देखो रास्ते में इनके ऊपर सीवर की नालों के ऊपर कोई भी ढक्कन नहीं रखे हुए, सभी टूटे हुए हैं। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। अगर प्रशासन हमारी थोड़ी सुने तो हम इस चीज़ के लिए कहना चाहते हैं कि हमें इस जगह की हमेशा सफाई होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर में अगर इंसान आए तो ढंग का तो आए, यहाँ आने का भी रास्ता नहीं है। आप देखो कितना पानी इकट्ठा हुआ है, सीवर बंद है, कोई भी नहीं सुनता हमारी। अब की बार जैसे डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पे फॉगिंग की गई है नहीं की गई? नहीं, ऐसी कोई फॉगिंग नहीं की गई है। पिछले 3-4 सालों से हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में कोई भी ऐसा फॉगिंग करने वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं हर साल आए, डेंगू का बुखार सबके लिए सब क्यों है तो यहाँ बीमारियाँ जितनी फैल रही है, पता नहीं कितने मरीज कितने आदमी बीमार पड़े होंगे। आने जाने वालों को परेशानी है, रास्ते बंद है, किसी प्रकार की हमारे कोई सहूलत नहीं दी जाती। किसी प्रशासन वाले को हम कह दें भी हमारी ये सुन ले, हमारे यहाँ के ये काम कर, सफाई कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और भी हैं उनसे बात करते हैं, दुकानदार यहाँ पे किस तरह की परेशानी यहाँ पे आ रही है? सर, हम इस पानी से है ना बहुत परेशान चल रहे हैं, यहाँ से कहना डेंगू का खतरा बना हुआ है। यहाँ ये पानी की 2 साल हो लिए, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना इधर देखने आते, हम बहुत परेशान है सर। प्रशासन द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि शहर में वो फॉगिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे फॉगिंग की गई है नहीं की गई? नहीं सर, यहाँ कोई फॉगिंग नहीं की गई है, डेंगू का बड़ा खतरा चल रहा है सर, हमें बड़े परेशान है सर। और भी दुकानदार है उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना इस बारे में? यहाँ पर इन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा कोई भी फॉगिंग यहाँ पे नहीं की गई है, जिसके चलते उनमें काफ़ी नाराजगी भी देखने को मिली। किस तरह की समस्या यहाँ पे आ रही है? यहाँ पे देख लो जी आप, हम तो ये गंदगी में ही रह रहे हैं यहाँ पे, और बहुत बुरा आ रहा है, यहाँ कोई सुनवाई कर रहा है हमारी तो। हम ये देख लो पानी जैसे ही बारिश आती है यहाँ पे गंदगी और सारी निकल के आती है, बुरा हाल है यहाँ पे तो, हम तो बस दुखी है यहाँ पे। डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पे, फॉगिंग की गई प्रशासन द्वारा नहीं की गई, इसके बारे में बताओ। यहाँ पे कुछ नहीं आई, कोई नहीं आई यहाँ पे, यहाँ पे कोई नहीं आई। ये सेक्टर 25 के ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदार हैं थे, इन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई भी फॉगिंग नहीं की गई है। आप तस्वीरें से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये पानी, इन्होंने बताया कि काफ़ी समय से यहाँ पर खड़ा, पर इसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। पानीपत से, पानीपत के बाद बात करते हैं सोनीपत की, यहाँ कैसा हाल है ये भी आपको हम बताते हैं, क्योंकि सोनीपत की अगर हम बात करें तो यहाँ भी डेंगू अपना कहर बरपा रहा है। कैसे हालात हैं आप खुद देखिए। इस वक्त राई विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव और राई के नाम से जानने वाला गांव जिस वक्त हम मौजूद हैं वो गांव राई है, और आपको तस्वीरें दिखा दें कि मेरे पीछे कितनी ज़्यादा गंदगी है, ये पशु भी यहां पर मजबूर हैं, और डेंगू जैसी जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं लोगों को चपेट में ले रही है, और ये गंदगी कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा रूप है। ये राई गाँव की तस्वीरें हैं, जो कि राई गाँव है, और ये इस तरफ जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, काफ़ी बड़ा फैक्ट्री एरिया है, और ये जो गंदगी है ये कहीं ना कहीं इस गांव की है। ये गांव राई की तस्वीरें हैं, और गांव राई जिम्मेवार है कहीं ना कहीं इस गंदगी का। और लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि नगर निगम में ये गांव आता है, नगर निगम गांव आने के बावजूद ये गंदगी का ढेर कहीं ना कहीं डेंगू और मलेरिया जैसी जो बीमारी है वो लोगों को चपेट में ले रही है, और कहीं ना कहीं अब जो शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि डेंगू से कैसे जो बचा जाए, क्योंकि ये गाँव जो है राई काफ़ी बड़ा गाँव है और जो नगर निगम के अंदर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं डेंगू के जो मच्छर हैं वो कहीं काफ़ी लोगों की जान ले चुका है, लेकिन डेंगू का जो मच्छर है वो काफ़ी घातक है। दो समय लड़ता है, वो सुबह या शाम को जो सूर्य की जो किरणें होती हैं या ढलता है तो सूर्य तक काटता है, और ये काफ़ी बड़ा फैक्ट्री एरिया है जहाँ पर मजदूर और मजबूर हैं,
यहाँ पर लोगों को अपनी बीमारी के चलते यहाँ पर जो जीना मजबूरी है, यहाँ कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते इस गांव की सफाई हो, ताकि लोगों को इससे डेंगू जैसी बीमारी से बचाया जाया जा सके। और लगातार शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि ग्रामीण जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छी सांस ले पाए। लेकिन यहाँ पर जो है डेंगू और मलेरिया का काफ़ी प्रकोप देखने को मिल रहा है। लाजपत हर खबर पर हरियाणा के लिए राय से इस वक्त राय। आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, और इस वक्त की जो बड़ी जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं वो बाल दिवस को लेकर देने जा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हरियाणा सरकार बाल दिवस मना रही है। अंडर 17 खिलाड़ियों को एक बड़ा तोहफा सरकार की ओर से दिया गया। 10वीं कक्षा तक की शर्त को हटाया गया है। किसी भी कक्षा के छात्र अब इसमें भाग ले सकेंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस बात का ऐलान किया है। बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं इस वक्त की। हरियाणा सरकार ने बाल दिवस के मौके पर ये बड़ा तोहफा अंडर 17 खिलाड़ियों को दिया है, जिसमें आपको बता दें कि 10वीं कक्षा तक की जो शर्त है उसको हटाया गया है और किसी भी कक्षा के छात्र अब भाग ले सकेंगे। खेल मंत्री संदीप सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से बाल दिवस के मौके पर ये एक बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें अंडर 17 खिलाड़ियों को ये बड़ा तोहफा सरकार की ओर से दिया गया है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नरवाना की। नरवाना में शराब के ठेके के सेल्समैन की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने जीन पटियाला नेशनल हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया। शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या को लेकर परिजनों में बेहद गुस्सा देखने को मिल रहा है और उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। और नरवाना से हमारे संवाददाता राजीव गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, शराब ठेके के सेल्समैन की हत्या और उसके बाद परिजनों का आक्रोश, जाम लगा दिया, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? जी अमित, आज सुबह कुछ युवकों ने जो गुरुसर गांव में वहां पर एक हरदीप नामक जो शराब ठेके का सेल्समैन था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और दिन भर इस तारीख मतलब जो वारदात है उसको लेकर पुलिस सचेत रही, लेकिन शाम को जब पोस्टमार्टम हुआ तो परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों की मांग थी कि जो हत्या आरोपी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी शाम तक जो हत्या आरोपी थे वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे, इसलिए परिजनों ने जींद पटियाला नेशनल हाईवे पर शव रखकर हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया था। लेकिन जब पुलिस ने फिर आश्वासन दिया कि कल तक वो जो हत्या आरोपी है उनको गिरफ्तार कर लेंगे, पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर सोमवार शाम को 5 बजे तक अगर उन्होंने हत्या आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो वो सदर थाने का घेराव करके दोबारा फिर रोड को जाम करेंगे। बिल्कुल राजीव, ये भी हम जानना चाहेंगे, ये इस हत्याकांड की जो वारदात को अंजाम दिया गया है इसके पीछे क्या पुलिस कोई वजह बता रही है? जी अमित, जो वारदात हुई है ये गुरुसर गांव में हुई है और इससे जो हत्या आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो भी गुरुसर गांव का ही बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस सेल्समैन की हत्या हुई है उसकी हत्या आरोपी जो काला नाम का एक व्यक्ति है गुरुसर गांव का रहने वाला, उसके साथ कुछ महीने पहले कुछ कहासुनी हुई थी और उसी रंजिश के चलते जो है हरदीप की आज गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी अमित, तो पुलिस का ये दावा है कि पुलिस जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी, उसके बाद इस जाम को खोल दिया गया परिजनों की ओर से। जी अमित, जो पुलिस ने करीब 5 लोगों के खिलाफ हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया है और पुलिस ने, मैं आपको बता दूंगी, पुलिस ने मौके से एक 32 बोर की मैगजीन भी बरामद की है जहां जिसमें 6 जिंदा कारतूस भी मिले हैं और इसके अलावा 315 बोर के 5 खाली कारतूस भी मौके से बरामद किए गए हैं। जो मृतक है उसको दनादन गोलियां मारी गई है, 5 गोलियां उसके शरीर में लगी है जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अब पुलिस जो है हत्या आरोपियों की तेजी से तलाश कर रही है और कई टीमें बनाकर पुलिस की अलग अलग क्षेत्रों में भेजी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। तो हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने यहाँ पर हंगामा किया, नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस के आश्वासन के बाद, पुलिस का ये दावा है कि बहुत जल्द हत्यारोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, उसके बाद परिजनों ने इस जाम को खोल दिया। हरियाणा प्रदेश की
कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा रविवार को सोनीपत में पन्नालाल के निवास पर आयोजित शोक सभा में शामिल होने के लिए वो पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ विधायक सुरेंद्र पवार भी मौजूद थे। कुमारी सैलजा ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हरियाणा में अच्छे दिन लाने का वादा करने वाली सरकार को हरियाणा की जनता ने खुद देख लिया है कि कितने अच्छे दिन लोगों के आए हैं। NCR में जो भी है, दिल्ली है, सोनीपत है, आसपास का जो हमारा हरियाणा का इलाका है, यहाँ के लोगों को भी खास तौर से आप सोच सकते हैं कि जो बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं उनकी सेहत पर बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ रहा है इस बात का। इसके लिए सरकार को विशेष नीति भी लानी चाहिए और मॉनिटरिंग ढंग से होनी चाहिए ताकि जहाँ से ये हो रहा है उसको वहीं रोका जाए और हमेशा केवल किसान को दोषी ठहरा देते हैं, ये सही बात की है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के शहीदों के ऊपर दिए बयान पर पूरे देश में विरोध हो रहा है। सभी विपक्षी पार्टियां उनके बयान की निंदा कर रही हैं। अंबाला कैंट सदर थाने में इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह ने भी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ओंकार सिंह और दूसरे नेताओं ने उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, साथ ही उनका पद्मश्री पुरस्कार वापस लेने की मांग भी की गई। तो कंगना रनौत के बयान को लेकर देश भर में उबाल देखने को मिल रहा है, देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी ये गुस्सा कम नहीं है। इनेलो पार्टी ने इसको लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है, अपनी नाराजगी जाहिर की है। बाकायदा ओंकार सिंह ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, अंबाला की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर ओंकार सिंह कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि पद्मश्री भी कंगना रनौत को वापस लिया जाए। जिस तरीके से देश की आज़ादी को लेकर उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने कहा कि 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली वो भीख में मिली थी, लेकिन असल जो आज़ादी है वो 2014 के बाद मिली है। और इसको लेकर देश भर में उनके बयान पर बवाल देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम बता दें कि गैस सिलेंडर बांटे जाने को लेकर जिस तरीके से सरकार की ओर से बार बार ये कहा जाता है कि गैस सिलेंडर हम लोगों को दे रहे हैं, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और तमाम तरह की बातें जो है वो कही जाती हैं, लेकिन लोग क्या कुछ कह रहे हैं ज़रा सुनिए आप। देखो जी, फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। खरीद